हेलो, हमारी गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है जी। फ्रेंड्स, असल में हमारे इस टूर का मकसद ये है कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनकी एक रिसर्च चल रही है सिल्क के ऊपर, रेशम, आई थिंक रेशम के ऊपर। तो वो यहाँ पे इस गांव में आए हुए हैं जहाँ पे हाथ से रेशम बनाई जाती है। यहाँ पे वो चरगा और खुड्डी और वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो हमारे प्रोफेसर इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है उसने तो ये कहा है कि दोबारा जो अपनी पुरानी रिवायात हैं उनको दोबारा से ज़िंदा किया जाए और उन लोगों को सपोर्ट किया जाए जो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो उनसे बेसिकली मिलना था हमारे प्रोफेसर को। और फिर वो जो स्पेशल कपड़ा ये बनाते हैं, चीन के जो गांव हैं वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को उस कपड़े के अंदर लपेट के ज़मीन में दफन किया जाता है। ये वो फर्नेस है जिसमें वो जो रेशम होता है उसको गर्म किया जाता है। और बाकी जो फैक्ट्री है वो आगे हैं, उसके पार्ट्स ये है, वो चरगा टाइप कोई चीज़। और यहाँ पे फाइनली वो कपड़ा तैयार होता है, इसको पत्नी खुड्डी बोलते हैं या क्या बोलते हैं। फेंगशुई के एक मकामी टाउन में हम अभी डिनर करने के लिए एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे आए हैं। अपने प्रोफेसर के जैसा काइंड और डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जब वो अपने टीचर के साथ एक बार फील्ड स्टडी के लिए आए थे तो उनको गांव के एक मकामी घर में रिहाइश के लिए कमरा दिया गया था और उस कमरे में उनके प्रोफेसर साहब सोए थे और जो हमारे प्रोफेसर उस वक्त स्टूडेंट थे, गाय के साथ इन्होंने रात गुजारी थी गाय वाले रूम में। जब हम इनके साथ एज ए स्टूडेंट आए तो इन्होंने हमारे लिए एक होटल बुक की है। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं तो दुनिया के अंदर आपकी बहुत डिमांड है, दुनिया को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हायर एजुकेशन की तरफ आएँ और रिसर्च फील्ड में अपना काम दिखाएँ। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall. हमारी गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। किसने खड़े खड़े हमारी गाड़ी में आके मार दी अपनी गाड़ी। शायद कोई बच्चा आ गया रोड के ऊपर खेलते हुए, ये उसकी साइकिल पड़ी। जो बच्चा गाड़ी के आगे आया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो तो अलबत्ता अभी सेव है, मगर दोनों गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए अभी वो निगोशिएशन कर रहे हैं कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए ये प्रॉब्लम। एक गाड़ी की इंश्योरेंस है और जिसने हमारी गाड़ी को मारा है वो हमारी गाड़ी के लिए पे करेगी। ये मेरे न्यू चाइनीज़ फ्रेंड हैं, ये आज मुझे इधर स्ट्रीट में मिले हैं और इन्होंने मुझे ये चीज़ दी है और ज़बरदस्ती दी है। इनके पास एक वॉच है, ये उससे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ये कहते हैं कि हम आपके इंटरनेशनल फ्रेंड हैं। हेलो, ये इनके पास वॉच है जिससे ये ट्रांसलेशन करते हैं। चाइनीज़ बच्चे बहुत एडवांस हैं, ये अपनी चाइनीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और बड़े एग्जैक्ट प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हुए। Don't touch my pictures, I'm trying to pace it. You kept me waiting, I gotta pay for you.
आज यहाँ पे सेंट्रल जो मार्केट है वहाँ पे लोग आए हुए हैं। हर माह की 9 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख को यहाँ पे जो करीब जितने भी गांव हैं वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचते हैं और ख़रीदते हैं। ये उनकी एक अभी सेंट्रल मार्केट है। I'm gonna pray for you, even when it's not.